everyone, I'm Mansi and welcome back to our series of videos. इसके पहले वाले वीडियो से हम लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए चालू किया था एंड दैट इज अबाउट डिफरेंट सर्फेसेस विच आर देयर इन अ होटल और विच आर देयर इन अ प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल अगर रूम का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो रूम में भी हमें बहुत अलग अलग तरीके के सर्फेसेस मिलते हैं, जैसे कि वुडन बेड होता है, वार्डरोब का सर्फेस अलग होता है, मार्बल्स होते हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं, सिरामिक होते हैं. सो वी वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल दीज सर्फेसेस वेल सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू वर्क. मैं आपको एक बेसिक केयर एंड मेंटेनेंस के साथ साथ एक DIY टिप भी दे रही हूँ विच यू कैन यूज एट होम एज वेल टू क्लीन द सर्फेसेस. आज की वीडियो में हम लोग सेम टॉपिक को लेके आगे जाने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर सर्फेसेस. फर्स्ट सर्फेस फ्रॉम द लिस्ट इज ग्लास, जिसको हम लोग कांच बोलते हैं. बहुत ही ब्रिटल मटीरियल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और लस्टरस होता है. लस्टरस माने जिसको बहुत एक अच्छा शाइन है, ऐसा एक खुद का शाइन है, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है वो और ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है. सो इट प्रोवाइड्स अ शाइन, इट प्रोवाइड्स अ लाइट एज वेल. सो ग्लास क्या है एक्चुअली? ये बनता है सैंड या फिर सिलिका से. ग्लास एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे वेरिएंट्स यूज में आते हैं, जैसे ग्लास से डोर बनते हैं, विंडोज बनती है, टेबल टॉप्स बनते हैं, आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, कुकवेयर्स बनते हैं. सो देर आर मेनी डिफरेंट यूज ऑफ दीज ग्लास. देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स इवन ऑफ द ग्लास. लाइक वी डू हैव फ्लैट ग्लास, देन वी हैव अ फ्लोट ग्लास, अ फाइबर ग्लास, देन वी हैव अ हॉलो ग्लासवेयर जिसकी हम लोग ने बात की है, देन वी हैव अ सेफ्टी ग्लास, देन वी हैव लैमिनेटेड ग्लास. सो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस विच आर अवेलेबल. बट वाइल टेकिंग केयर ऑफ दीज ग्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट वी हैव टू यूज, हाउ वी हैव टू यूज सो to maintain that surface. When a glass is concerned, glass एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी उंगली का निशान है या फिर कोई भी निशान है जो फटाक से दिखता है सामने से. So we have to take almost utmost care of these glass surfaces. जो भी glass surfaces, flat glass surfaces है, for an example window है या glass के doors है, इनको clean करने के लिए हम लोग ग्लास क्लीनर यूज करते हैं. वी हैव टू टेक केयर दैट वी आर यूजिंग अ लिंट फ्री क्लॉथ फॉर क्लीनिंग द ग्लास. लिंट फ्री क्यों? नहीं तो उसके ऊपर अगर वो लिंट है जो कपड़े का, वो अगर ग्लास के ऊपर चिपक जाएगा तो हमारे क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं होगा. सो डेली डस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. वी कैन यूज अ ग्लास स्क्वीजी. हम लोग ने मैनुअल इक्विपमेंट की जब बात की थी तभी हम लोग ने ये इक्विपमेंट की बात की हुई है. आई ट्राई एंड प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन आर डिस्क्रिप्शन एज वेल. तो जो ग्लास स्क्वीजी है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग द ग्लास. डेली डस्टिंग, डैम डस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसके ग्लास के ऊपर कोई ऑयली स्टेन है, स्टिकी स्टेन है, वी हैव टू रिमूव इट इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल. अगर ऐसे ग्लास के ऊपर कोई टफ स्टेन्स आ जाते हैं, सो जब भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं वी हैव टू टेक केयर कि हमें निकालना भी है तो वी हैव टू यूज अ वेरी सॉफ्ट मटीरियल. वी कैनॉट यूज एनी अब्रेसिव ऑन द ग्लास, लाइक स्कॉच ब्राइट से हम लोग उसको घिस नहीं सकते बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रिटल थिंग. इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं. टॉकिंग अबाउट हॉलो ग्लासवेयर, जैसे कि वाजेस है, बॉटल्स है, इनको कैसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं? बेस्ट वे टू क्लीन देम इज विद अ वार्म वाटर एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट विद अ नाइलॉन स्क्रबर. नाइलॉन स्क्रबर के साथ या फिर अगर बॉटल है, वाज है, तो इनको हम लोग बॉटल ब्रश के साथ भी क्लीन कर सकते हैं. इसकी बात भी हम लोग ने मैनुअल इक्विपमेंट्स में की थी इन टाइप्स ऑफ ब्रशेज.
सो इसको जब क्लीन करना है तब हम लोग बॉटल ब्रश का भी यूज कर सकते हैं. वन DIY टिप फॉर ग्लास क्लीनिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देर आर एनी हार्ड वाटर स्टेन्स ऑन अ ग्लास. लाइक हमारे घर में हम लोग डेकोरेटिव आर्टिकल्स बोल्स में रखते हैं विथ वाटर इन देम. लाइक मेरे हमारे घर पे भी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टोन्स हैं इन वाटर विच इज अ फ्लोटर टाइप में है, वो फ्लोटिंग है. तो वो बोल को क्लीन करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो वॉट वी डू इज वी पुट लाइक वन पार्ट ऑफ विनेगर एंड सेम टू पार्ट्स ऑफ वाटर एंड विथ अ टूथब्रश वी स्क्रब द बोल एंड इफ यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस द हार्ड वाटर स्टेन्स ऑल्सो गेट रिमूव्ड. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फ्लैट ग्लास लाइक मिरर है या फिर दरवाजा है या फिर खिड़की है तो इनको क्लीन करने के लिए इवन वी कैन यूज न्यूज़पेपर क्योंकि न्यूज़पेपर के इंक में जो कार्बन होता है दैट इज दैट एक्ट्स एज अ गुड ग्लास क्लीनर ग्लास क्लीनिंग एजेंट वी कैन से. सो वी कैन यूज न्यूज़पेपर एज वेल वाइल क्लीनिंग अ ग्लास बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन होटल टू होटल प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी एज पर द SOP हमें ये करना है. वी वर नॉट सपोज टू यूज a newspaper, we were having a proper glass cloth. इसके बारे में भी हम लोग ने बात की है, a lint-free glass cloth जो हम लोग use करते थे for cleaning a glass. glass को जब भी clean करना है तब इसको ऐसे वैसे कैसे भी direction में clean नहीं करना है. we have to clean it in a circular motion. एक सर्कल बनाते हुए हमें इसको क्लीन करना है ताकि वो ग्लास सरफेस पे कहीं पे स्मजेस ना दिखे. ऐसे कैसे भी ऐसे उधर इधर कैसे भी क्लीन किया तो जब वो ग्लास क्या बोलते हैं हम लोग उसको जब सूख जाएगा तब आपने किस तरीके से क्लीनिंग किया है ये दिखेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन इट इन अ सर्कुलर मोशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन यूज अ ग्लास स्क्वीजी सो दैट देयर वोंट बी एनी सच मार्क्स. मूविंग अहेड इफ वी हैव एनी शैंडिलियर्स शैंडिलियर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे शैंडिलियर्स को क्लीन करना. ग्लास के शैंडिलियर्स जो होते हैं इनको क्लीन करने के लिए हमें वो शैंडिलियर्स को नीचे उतारना पड़ता है. हर पार्ट को निकाल के वार्म वाटर और सिंथेटिक डिटर्जेंट से हल्के से क्लीन करके इमीडिएटली उसको लिंट फ्री क्लॉथ से वाइप करके हमें वापस लगाना होता है. उसके बाद nowadays there is one machine which is called as upholstery shampooing machine. इसका भी use हम लोग chandelier cleaning में कर सकते हैं. Like इसमें it's kind of a small vacuum cleaner itself. लेकिन इसमें water का use होता है. So वो chandelier के एक एक part को with the synthetic brush on the top उसको वो clean करता है. और इसमें एक tub होता है जिसमें वो पानी कलेक्ट होता रहता है. बट वी हैव टू टेक एट मोस्ट केयर वाइल क्लीनिंग शैंडिलियर्स क्योंकि एक छोटा सा भी इसमें सा टुकड़ा कहीं पे टूट गया तो वो पूरे शैंडिलियर के शो को खराब कर सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर वाइल क्लीनिंग अ ग्लास आर्टिकल एनी काइंड ऑफ नॉट ओनली शैंडिलियर एनी काइंड ऑफ ग्लास आर्टिकल व्हेन वी आर क्लीनिंग. इवन देयर इज ग्लास पॉलिशिंग विच इज बिन डन बट वी इट इज वेरी कॉस्टली थिंग बट इफ वी डू प्रॉपर बफिंग ऑफ द ग्लास ऑन अ डेली बेसिस इट इज इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर ग्लास और दैट पर्टिकुलर विंडो दैट पर्टिकुलर डोर बिकॉज स्पेंडिंग मनी ऑन अ ग्लास पॉलिशिंग इट विल बी वेरी मच एक्सपेंसिव. सो वी हैव टू टेक अ प्रॉपर केयर डेली डस्टिंग क्लीनिंग विथ the glass cleaner with a lint free cloth is very important when a glass is concerned. Next surface which we are going to talk about is plastic. hum sab log isse itne well versed hai hamare daily ki kitni sari cheeze plastic ki banti hai. ye weight mein kam hota hai use karne ke liye bahut aasan hai
बहुत सारे केमिकल्स को रेजिस्ट करता है, यानी केमिकल के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि हम लोग ने देखा था रिएक्शन कहाँ पे होता है, अगर पीतल के बर्तन यूज करते हैं और उसको अगर कलाई प्रॉपर की नहीं है तो उसको खाने के साथ उसका जब कुछ संबंध आता है खाने के साथ तो हो सकता है वो खाना खराब हो सकता है, बट नॉट विद द प्लास्टिक। मेनी केमिकल्स विद मेनी केमिकल प्लास्टिक कैन स्टैंड। इट इज ईजी टू क्लीन। प्लास्टिक आइटम्स आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स। इट इज चीपर मटीरियल, एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा। देन इट्स अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वायर्स भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। एज आई सेड, इट इज अट्रैक्टिव कलर्स है, एक्सपेंसिव भी कम है। दीज ऑल आर एडवांटेजेस, बट स्टिल देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक एज वेल। लाइक वी कैनॉट डू हार्श स्क्रबिंग ऑन प्लास्टिक क्योंकि इट टेंड टू गेट स्क्रैच्ड। देन इट मे गेट डिसकलर, इट मे गेट क्रैक्ड इवन आफ्टर मच ऑफ यूज। देन इफ इट इज बर्न, इट इज वेरी मच टॉक्सिक इन नेचर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अगर वो खराब हो गया, हम लोग ने उसको फेंक दिया तो भी उसका वापस मिट्टी नहीं बनता, इट विल स्टे एज इट इज। सो इट इज नॉट गुड व्हेन अ एनवायरमेंट इज कंसर्न, बट इट इज ईजी टू यूज। लाइक आई सेड, एवरीथिंग हैज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड, सो देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक एज वेल। स्टिल मूविंग अहेड, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। लाइक वी हैव मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन इज द मटीरियल, इसके जो बर्तन बनते हैं वी यूज देम इन माइक्रोवेव। मेलामाइन इज द मटीरियल विच इज माइक्रोवेव सेफ। देन वी हैव थर्मोप्लास्टिक। देन वी हैव लैमिनेट्स, प्लास्टिक लैमिनेट्स वी डू हैव। सो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के प्लास्टिक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अबाउट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, इट इज वेरी इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। अ वार्म वाटर वॉश विद अ सॉफ्ट डिटर्जेंट, सिंथेटिक सॉफ्ट डिटर्जेंट, इट इज इनफ फॉर क्लीनिंग। वी शुड नॉट यूज एनी हार्ड एब्रेसिव मटीरियल, जैसे मैंने बोला कि ये स्क्रैच होना इसकी टेंडेंसी है, सो वी शुड नॉट यूज एनीथिंग वेरी मच हार्ड टू स्क्रब। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इसमें नहीं डाल सकते, या फिर उबलते पानी में हम लोग प्लास्टिक को नहीं डाल सकते। फॉर एनी काइंड ऑफ क्लीनिंग मेक श्योर यू आर यूजिंग वार्म वाटर इट्सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उबले हुए पानी में डालेंगे तो इट मे गेट मेल्ट एंड द शेप ऑफ द आर्टिकल मे गेट चेंज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू डू अ प्रॉपर डस्टिंग ऑफ दीज आर्टिकल। वी शुड नॉट रब एनी क्लॉथ ऑन अ प्लास्टिक, क्योंकि उसका जो स्टैटिक फोर्स है उससे और ज़्यादा डस्ट नहीं तो अट्रैक्ट करता है ये खुद पे। सो अ नॉर्मल ड्राई डस्टिंग हैज़ टू बी डन। डू नॉट रब एनी प्लास्टिक आइटम विथ एनी काइंड ऑफ डस्टर्स बिकॉज इट विल अट्रैक्ट मोर डस्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड दैट इज सिरामिक। सिरामिक हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइक वॉश बेसिन्स आर मेड अप ऑफ सिरामिक, सैनिटरी फिटिंग्स आर मेड अप ऑफ सिरामिक, टाइल्स आर मेड अप ऑफ सिरामिक, देर आर कुकिंग यूटेंसिल्स विच आर मेड अप ऑफ सिरामिक। सो बहुत सी चीज़ें सिरामिक की बनी हुई होती है। इट इज़ बेसिकली मेड विथ सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले को मिक्स करके उनका प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन इन दोनों का होना चाहिए। देन उसको हीट ट्रीटमेंट दी जाती है एंड देन द सिरामिक पॉट्स है या फिर सिरामिक की चीज़ें बनती है। सो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। देन देर आर इवन टाइप्स इन सिरामिक वेयर, लाइक वी हैव अर्दन वेयर, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। नाउअडेज इट इज वेरी मच इनटू ट्रेंड कि मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनाया जाता है दैट इज वेरी मच इनटू द ट्रेंड नाउअडेज। उसके बाद टेराकोटा का आता है, स्टोनवेयर इज आल्सो इन सिरेमिक, देन पोर्सेलिन आता है, बोन चाइना, बोन चाइना के बहुत से यूटेंसिल्स बनते हैं, देन वी हैव लाइक
टेराकोटा, टेराकोटा के बहुत से डेकोरेटिव आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ टेराकोटा. हाउ वी हैव टू क्लीन देम? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. वी अगेन हैव टू यूज अ सॉफ्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट विद वाटर एंड वी हैव टू क्लीन इट. देन वी हैव टू वाइप इट विद अ लिंट फ्री क्लॉथ. एनीथिंग विच इज टू हॉट और विच इज टू कोल्ड शुड नॉट बी यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ सिरामिक. Then most important is if there are any stains on the ceramic, we have to do very light scrubbing with a very soft scrubber. क्योंकि इसके ऊपर भी इसका tendency है कि scratches आ जाते हैं. इसके ऊपर एक polish का layer होता है. If that polish worn's out, then उस article का जो appeal है वो disgrace हो जाता है. And then there is no use of such article. So it is very important to take care of these ceramic articles or these surfaces which are there. For now, we will stop here. There are some more surfaces which have been left, like we have wood, we do have rubber, we do have stone. We will talk about these remaining surfaces in the next video. Till then, do take care, do like, share and subscribe to our videos, do share it with your friends, do share it with the people who are doing hotel management. It is helpful for them as well. Till then, take care. Thank you for watching. Bye.